देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा शहर में आधारभूत विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। यही कारण है कि शहर में अनेक क्षेत्र महानगर के विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में दिखाई देने लगे हैं। इंदौर शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के सघन बस्ती वाले वार्ड क्रमांक 45 में निम्न, मध्यम एवं उच्च स्तर की सभी प्रकार की कॉलोनियां हैं। क्षेत्र के भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया द्वारा विभिन्न वार्डो में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं, जहां कल वार्ड क्रमांक 46 में 1 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया था। वहीं आज रविवार को वार्ड क्रमांक 45 में लगभग 1,40,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्यों का श्री गणेश MIG कॉलोनी के जनरल वैद्य उद्यान से हुआ। भाजपा वार्ड 45 के अध्यक्ष रवि तोमर ने बताया कि विधायक महेंद्र हाडिया द्वारा इस उन्नत गार्डन में विशाल योगा शेड के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इससे क्षेत्र के लोगों को योगाभ्यास के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी तथा सामूहिक रूप से योग कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। इसके पश्चात विधायक महेंद्र हाडिया ने वार्ड 45 के कुछ क्षेत्रों में बारिश के जल की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन का भी शुभारंभ किया। जनरल वैद्य उद्यान में समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने विधायक महेंद्र हाडिया का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, राजेश उदावत, OBC मोर्चा के नगर अध्यक्ष रघु यादव, नगर महामंत्री सविता अखंड, वरिष्ठ नेता नारूराम कुमावत, अजीत रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष अमित रघुवंशी, मंडल के महामंत्री देवेश जाजूरिया, OBC मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष जितेंद्र कौल, युवा मोर्चा के नगर मंत्री राहुल ठाकुर, श्रीमती कविता रमन, किरण भादले, विमला जारवाल, युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष राजा बेंडवाल, वार्ड संयोजक पंकज पराले, संजय इंगले, कार्तिक सेठ, वार्ड क्रमांक 46 के अध्यक्ष भूपेंद्र बघेले, दशरथ अकोदिया, सुरेश चंद्र सांकरे, मनीष मरमट, रोहित रेशवाल, चिंटू मेहरा, ऋषि आनंद, ऋषि चौधरी, जॉनी वर्मा, सूरज यादव, कपिल शर्मा, दुष्यंत कुंटे, विजय सोनाने, प्रीतम त्रिवेदी, प्रफुल्ल शुक्ला, संतोष नागर एवं श्री कमलजीत सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा वार्ड 45 के अध्यक्ष रवि तोमर ने किया एवं आभार MIG रहवासी संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र साकरे ने माना।40 के अंदर 1,40,00,000 रुपए के निर्माण कार्य का या तो मैंने भूमि पूजन किया है या उसका लोकार्पण किया है। जो भूमि पूजन जिस काम का किया है वो काम यथाशीघ्र चालू हो जाएंगे। इस क्षेत्र में योगा सेट की बहुत डिमांड थी, योगा सेट स्वीकृत किया है। MIG LIG की सड़कें स्वीकृत करी हैं। अमलतास से देवनगर तक की सड़क बन के तैयार हो गई है। तो ऐसे सारे काम का लोकार्पण किया है, कुछ का भूमि पूजन किया है। क्या लगातार इस तरह के कार्य अभी जारी रहेंगे? प्रत्येक वार्ड में चलेंगे। आज 45 में है, कल 39 में है, लगातार हर वार्ड में इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। वार्ड क्रमांक 45 विधानसभा 5 में विधायक श्री महेंद्र हाड़िया जी द्वारा 1,40,00,000 के काम का भूमि पूजन और लोकार्पण का काम आज यहां किया गया है। आज यहां जनरल वैद्य उद्यान में एक जो टीम अपना योगा शेड बनने जा रहा है उसका आज विधायक जी ने भूमि पूजन किया है और आगे ही अभी डी सेक्टर में
हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर स्टाम्प वाटर लाइन और सीमेंट कंक्रीट के रोड का भूमि पूजन लोकार्पण विधायक जी करेंगे। रिवाज सिंह की बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर योगा वगैरह जो होता है उसके लिए एक पक्की स्टेट की डिमांड काफ़ी टाइम से चल रही थी और आज वो हमारा आज भूमि पूजन हुआ। मैं बड़े बहुत बहुत खुशी है कि बाबा के हाथ से ये कार्य सम्पन्न हुआ और शीघ्र ही हम ये उम्मीद करेंगे कि इसका भी जो उद्घाटन है लोकार्पण भी शीघ्र हो जाए। इससे उनको हमारे रिवासियों को बहुत ही राहत मिली।